हरिओम। वैशाख मास के अंतिम तीन दिन दिलाए महापुण्य पुंज। स्कंद पुराण के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में अंतिम तीन दिन त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा तक की तिथियां बड़ी ही पवित्र और शुभ कारक है। इनका नाम पुष्करिणी है। ये सब पापों का क्षय करने वाली है, जो संपूर्ण वैशाख मास में ब्रह्म मुहूर्त में पुण्य स्नान व्रत नियम आदि करने में असमर्थ हो, वह यदि इन तीन तिथियों में भी उसे करे तो वैशाख मास का पूरा फल पा लेता है। वैशाख मास में लौकिक कामनाओं का नियमन करने पर मनुष्य निश्चय ही भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जो वैशाख मास में अंतिम तीन दिन गीता का पाठ करता है, उसे प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो इन दिनों श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उसके पुण्यों का वर्णन करने में तो इस भूलोक व स्वर्ग लोक में कौन समर्थ है, अर्थात वह महापुण्यवान हो जाता है। जो वैशाख के अंतिम तीन दिनों में भागवत शास्त्र का श्रवण करता है, वह जल में कमल के पत्तों की भांति कभी पापों में लिप्त नहीं होता। इन अंतिम तीन दिनों में शास्त्र पठन व पुण्य कर्मों से कितने ही मनुष्य ने देवत्व प्राप्त कर लिया है और कितने ही सिद्ध हो गए। अतः वैशाख के अंतिम दिनों में स्नान दान पूजन अवश्य करना चाहिए। स्रोत ऋषि प्रसाद। हरिओम।